शहर कायद से आपको बताएं कि दिन हो या रात, लुटेरों ने हर गली महल्ले में आवाम को लूटा है। 2019 में लूटमार की वारदातों में शहरियों को 1.5 अरब रुपए से ज़ायद की कीमती गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और मोबाइल फोन से महरूम कर दिया गया। दो करोड़ आबादी का शहर कराची 2019 में स्ट्रीट क्रिमिनल के लिए जन्नत का शहर बन गया। पूरे साल में 1.5 अरब रुपए से भी ज्यादा की लूट मार की गई। दिन हो या रात, गली सुनसान हो या गहमा गहमी का बाजार, लुटेरों ने जब चाहा आवाम को लूटा। बंदूक दिखाकर 1.83 करोड़ 80 लाख रुपए से जायद का नुकसान हुआ। पुलिस का खौफ ना सजा का डर, छीना झपटी करने वाले भी सरगर्म रहे। 44,000 से ज्यादा शहरियों को उनके कीमती मोबाइल से महरूम कर दिया गया। एक मोबाइल की कीमत 10,000 लगाई जाए तो शहरियों को 44 करोड़ से जायद का नुकसान हुआ। शहर में गाड़ियां छीनने और चोरी करने के वाकयात भी कम न हुए। 28,500 मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गई। फी मोटरसाइकिल की कीमत 20,000 लगाई जाए तो शहरियों को 54 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह गायब होने वाली या छीने जाने वाली 1,653 गाड़ियों की मत में शहरी 82 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम से हाथ धो बैठे हैं। पुलिस हुकाम सामान की बरामदगी तो बताते हैं, लेकिन आटे में नमक के बराबर। शहरियों का ख्वाब है कि इनका शहर जल्द स्ट्रीट क्राइम से पाक हो जाए।